मैं मीडिया के डेली न्यूज बुलेटिन क्या खबर है बिहार में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं शहर ट्रेडर्स बहादुरगंज, उजाला जिंदगी का। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड के माताडीह पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 2 में वार्ड सदस्य द्वारा नल जल योजना का बिना काम कराए ही 13 लाख रुपए के निकासी का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर वार्ड सदस्य पर कार्यवाही करने का मांग किया। वहीं BDO प्रभात रंजन ने जाँच उपरांत वार्ड पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। बक्सर जिले से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पति ने पत्नी की दिन दिहाड़े गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने गिरफ्तार होने के बाद कहा कि उसकी पत्नी की कई लोगों से नाजायज संबंध थे, जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुर के शिव मंदिर रोड में शुक्रवार सुबह दिन दिहाड़े पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काट दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना स्थल पर पुलिस के विलम्ब से पहुँचने पर लोगों में आक्रोश भी देखा गया। गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने हथुआ अनुमंडल के सभागार में अनुमंडल के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाने पर विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि COVID-19 महामारी के चलते सभी सार्वजनिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक है, जिसका असर इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी पड़ेगा। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस बार समारोह में कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, सिर्फ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा जाएगा, किसी प्रकार की झांकी पर भी रोक रहेगी। बेगूसराय जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अपराधी बेलगाम है। गुरुवार की रात बलिया थाने के विष्णुपुर गोखले नगर दियारा में बदमाशों ने घर पर चढ़कर दो पिता पुत्र को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इस घटना में बुजुर्ग पिता की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पुत्र का शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार केस नहीं उठाने पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक की पहचान 60 वर्षीय सचिदानंद मिश्र और घायल की पहचान 20 वर्षीय पिंकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र से 31 जुलाई को कार लूट मामले में रोहतास और औरंगाबाद जिले से कुल 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से लूटी गई टवेरा गाड़ी, ब्रेजा कार, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 1 किलो गांजा, 1 बाइक, 6 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। SP दिलनवाज अहमद ने बताया कि 31 जुलाई को मोहनिया कोचस पथ से एक टवेरा गाड़ी की लूट हुई थी, जहां GPS लोकेशन के आधार पर उस गाड़ी को औरंगाबाद जिला से बरामद किया गया है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत भोरा दह पंचायत के बगीचा गांव होकर गुजरने वाली ढोलमनी नदी के तेज कटाव से गांव के अस्तित्व पर संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। नदी के तेज कटाव से एक दर्जन से अधिक आदिवासियों का घर नदी में विलीन हो चुका है। नदी किनारे बसे बाकी परिवारों को भी चिंता सता रही है कि घर तोड़कर जाए तो जाए कहाँ। ग्रामीणों के मुताबिक समय रहते जिला प्रशासन कटाव निरोधी कार्य नदी में नहीं कराया तो गांव का मुख्य सड़क, धार्मिक स्थल, मस्जिद और किसानों का सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा जाएगा। अररिया नगर थाना क्षेत्र के झववारी गांव में दहेज में बाइक नहीं देने पर विवाहिता की निर्मम हत्या कर शव को ईंट भट्टा के समीप फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 6 माह पहले युवती की शादी भंसिया गांव के मसूद नामक युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही युवक के द्वारा दहेज में बाइक की मांग की जा रही थी। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर युवती को उसके मायके लाकर छोड़ दिया गया और लड़की के परिजनों से बाइक की मांग को लेकर दबाव बनाने लगा। बीती रात लड़का अपने ससुराल आया और पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन सुबह लड़की के परिजनों को सूचना मिली कि लड़की का शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले में अररिया SDPO ने बताया कि प्रथम दृष्टया दहेज के लिए हत्या का मामला लगता है। मृतका के परिजनों के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की गई, लेकिन ससुराल के सभी लोग फरार हैं। पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। बिहार में नदियों का जलस्तर कम होते ही बाढ़ से हुई तबाही का मंजर सामने दिखने लगता है। अररिया जिले के अररिया प्रखंड के बेलवा पंचायत में भी सड़कों का बुरा हाल है। सड़क कट जाने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। परमान नदी से आई बाढ़ ने NH 327 से मिर्जा भाग बैरियर से घाट टोला जाने वाली ग्रामीण सड़क 4 जगहों पर कट दिया है।
इस वजह से हजारों की आबादी को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहरसा जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। मामला जिले के सोनबरसा राज के PHC का है, जहां मदन कुमार झा नामक युवक ने सोनबरसा राज के PHC में कोरोना का जांच करवाया और जांच रिपोर्ट में उक्त युवक का पॉजिटिव आया। युवक को जब जांच रिपोर्ट पर शक हुआ तो उन्होंने फिर दूसरे दिन अपना जाँच सदर अस्पताल में करवाया तो वहाँ उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। इस घटना के बाद पूरा स्वास्थ्य महकमा कटघरे में आ गया है। सहरसा जिले में बाढ़ की त्रासदी ने प्रखंड मुख्यालय के महारस पंचायत के खुरासान गांव के कई वार्ड को प्रभावित किया है। भोजन ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी चारा का संकट उत्पन्न हो गया है। बाढ़ के कारण घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने वाले पशुपालक मवेशियों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। कोसी के जल स्तर में फिर से वृद्धि के साथ ही लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। रोजाना शाम हमारा न्यूज़ बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। खबरों को डिटेल में आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर पढ़ सकते हैं।